शासन प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आए दिन जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि जिससे नियमों का पालन हो सके, लेकिन आए दिन जनता नियमों की धज्जिया उड़ा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका सुरमे टाइम्स में। मैं राघवेंद्र पांडे, अभी मैं मौजूद हूँ गोल बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पास सड़कों के किनारे में नहीं बल्कि सड़कों के बीच में लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, दुकान लगा दिए हैं, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। यहाँ पास गोल बाजार थाना है, आगे जाएंगे तो कोतवाली थाना भी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ लोग लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देखिए उधर ऑटो वाला किस तरीके से बीच रोड में ऑटो खड़ा करके रखा है, इधर भी अभी ऑटो खड़े करके रखे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब आप बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पास आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दिखेगा, कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखेगी। अभी तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जिसमें मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से सड़कों के बीच में दुकानें लगाई गई हैं और कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं कैसे दुकानदारों ने सड़कों के बीच में दुकानों को लगाकर रखा है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कैसे सड़कों के बीच गाड़ी खड़ी है और कैसे ऑटो चालक सवारी के लिए बीच सड़क में ही ऑटो रोक कर सवारी को ऑटो में बैठा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। तो अभी आपने वीडियो में देखा कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ हमेशा ऐसी स्थिति रहती है, हरदम रहता है यहाँ से। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती क्या? कार्रवाई क्या करेंगे, बेचारे लोग थक जाते हैं, बोल बोल के ऑटो वाले ये सब खड़े रहते हैं, क्या करूँगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने अपनी एक दुकान बना कर रखी है सड़क के किनारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड के बीच में दुकान खोल के बैठ गए, जिसके कारण ट्रैफिक नियम जो है वो चरमरा रहे हैं। तो इस पर कोई कार्रवाई वो दुकानदारों के ऊपर होती हुई कभी आपको दिखी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, कोई कार्रवाई। अब बेचारे ऑटो वाले भी रोजी रोटी के लिए करते रहते अपना, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो साइड में भी तो रोक सकते हैं। यहाँ पास देखा, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ बीच में रोक दे रहे। हाँ, वो तो आदत है इन लोग का, ऑटो वालों का, ई रिक्शा वालों। इससे सिर्फ ट्रैफिक नियम ही नहीं चरमरा रहे, ट्रैफिक व्यवस्था ही खराब नहीं हो रही, आपकी ग्राहकी में भी क्या बोलते तकलीफ होती होगी। माले रोड का तो हाल ऐसे ही है, शुरू से ऐसे ही है, सबका ऐसे ही हुआ, चलता रहता सबका 19-20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास भैया बीच रोड में ऑटो खड़ा करके रखे। भैया क्या नाम है आपका? सुखराम केलर। सुखराम जी ने जी, आप अभी बीच रोड में ऑटो खड़ा करके रखे हुए थे जिससे ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। अरे किनारे कर दिया ना सर। अभी किनारे किए हैं आप, वो भी किनारे में नहीं है, आप देखिए अभी भी रोक के रखे हैं और सवारी बैठा रहे हैं। किनारे में हो गए ना सर, किनारे में हो गए। किनारे में अभी आप, लेकिन किनारे में नहीं है सर। ठीक है सर, ठीक। तो आपने देखा कैसे यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए अब यहाँ पर जो लोग आ जा रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। आप भी यहाँ पर गाड़ी चलाते होंगे भैया, आते जाते होंगे, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक की, जिस तरीके से इधर पूरा भीड़ लगा रहता है, जाम लगा रहता है? फोर व्हीलरों की वजह से थोड़ा जाम लगता है, बाकी तो व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था काफी सख्त है। ट्रैफिक व्यवस्था सख्त है फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक वाले रहते हैं। मेरे को भी अभी तक कोई भी नहीं दिखा। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए सड़कों के बीचों बीच भी कई लोग दुकान लगा के रख दिए हैं, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमेशा निगम वाले इनका सामान जब्ती कर लेते हैं, अभी पेट पानी के लिए तो बैठेगी रोड पे, पेट पानी के लिए बैठे। यहाँ पर मतलब कार्रवाई होती है, उसके बाद भी जनता जबरदस्त कार्रवाई होती है, सामान जब्ती हो जाता है, सब लेके चल देते हैं। अब निगम वाले भी तो अपना काम करते हैं और ये लोग पेट पानी के लिए रोज बैठते हैं। आप भी यहाँ पर ड्राइविंग किए होंगे, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से समस्याओं को सुधारा जा सकता है? जगह छोटी है, जैसे जैसे ट्रैफिक दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, व्यवस्था ठीक है, आते हैं पुलिस वाले, जब कभी ट्रैफिक जाम हो जाए तो दौड़ के आते हैं, ठीक कराते हैं। फिर जैसा है पब्लिक है भाई, पब्लिक जब तक नहीं समझेगी वैसा ही होता रहेगा। थे हमारे साथ भैया जिनका कहना है कि पब्लिक जब तक नहीं समझेगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कार्रवाई तो अपनी तरफ से पूरी की जा रही है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है जो काम होना चाहिए, और पब्लिक ही नहीं समझ पा रही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, सुरमे टाइम्स रायपुर।